मॉर्निंग जी, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने बनाया है रायता। तो रायता मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि बाहर खट्टा हो जाता है, तो रायता बनाकर रख दिया। जैसे मायके जाना है तो फिर मैं फ्रिज में बनाकर ही रख दूँगी, बाद में ये सब्जी के साथ खा लेंगे। और यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे कुछ गोभी, कुछ नमकीन चावल थे, उसी को ही मिक्स करके यहाँ पे इसके बनेंगे पराठे। तो एक साइड में रख दिया चाय बनने के लिए। ये रायता जो है ये फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि खट्टा हो जाता है, फिर इसलिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और फटाफट से बना लेते हैं पराठे। तो यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और सभी को वैसे खिला ही दिए हैं। लास्ट वाला पराठा ही रहा है जो अपने लिए मैंने काफ़ी बड़ा सा बना लिया है, होता है ना लास्ट में काफ़ी मसाला बच जाता है, तो फिर मैंने उसका पूरा बड़े वाला पराठा ही बना दिया है। तो बस छोटे वाला बेटा और मैं खाएंगे, बाकी खा चुके हैं, मानू खा चुका है, उसके पापा भी खा चुके हैं। और पराठे किसी भी चीज़ के हों अच्छे लगते हैं, मूली के हों, आलू के हों, गोभी के हों, किसी भी चीज़ के पराठे बना लो अच्छे लगते हैं। तो ये दही के साथ खाते हैं और मैं खाती हूँ चाय के साथ। तो अपने लिए चाय डाल रही हूँ, तो गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पराठे, आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पे कुछ टाइम मैं दुकान पर थी और इस टाइम दोपहर का टाइम होने वाला है कि 11 बज चुके हैं और मैं पड़ोस की दुकान में ही आई हुई हूँ। तो मेरे हाथ में जो सलवार है ना, मुझे इसकी कमीज लेनी है, लेकिन मैचिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसका जो सूट मैंने एक बार भी नहीं डाली है, ये वाली सलवार। इसके साथ का कमीज मैरून कलर का था, तो उसकी सलवार मैंने अलग से बनवाई है, ये कुछ अलग ही कलर है, इसके साथ मैचिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है, ये हमारी पड़ोसन है तो इनकी कपड़े की दुकान है, पड़ोसन क्या, ये बिल्कुल साथ में ही है, पहले वाली दुकान इनकी है और दूसरे वाली मेरी है, तो इनका भी ऐसे ही है, बाहर दुकान है अंदर घर है, तो हम दोनों का ऐसा ही है। तो हंसी मजाक चल रहा है जी, लेकिन हमारे इतने सूट देखे हमने लेकिन कोई भी मैचिंग नहीं हुई है। तो फिर ये कपड़ा दूसरा ही लेकर आएंगे अब कमीज़ के लिए, जो बिल्कुल मैच हो जाए। तो यहाँ पे लाइनिंग वगैरह भी लेनी है मुझे, क्योंकि जैसे सूट कटिंग करनी है तो लाइनिंग ले लेते हैं, और सलवार की जो है वो मैचिंग नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं और देवरानी भी थी मेरी आई हुई, तो बस चाय वगैरह पी हमने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सूट कटिंग करने के लिए लगी हूँ, और पहले इसमें मारूंगी प्रेस, क्योंकि जो सलवटें वगैरह होती है ना वो फिर प्रेस के साथ अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है, कटिंग करने में दिक्कत नहीं होती। तो मैं जब भी कटिंग करती हूँ तो पहले प्रेस लगा लेती हूँ, उससे क्या होता है कि भाई अच्छी तरह से कटिंग हो जाती है। और लाइनिंग वगैरह वो मैंने धोकर रख लिया है, लाइनिंग मैं हमेशा धोकर ही लगाती हूँ। और ये दो सूट हैं जो सिलाई के लिए आए हैं, तो इनकी भी कटिंग करनी है, कहने का मतलब है तीन सूटों की कटिंग करनी है मुझे, और तीनों ही सूट मैं मायके लेकर जाऊँगी, वहीं पर ही सिलाई करूँगी जितना भी टाइम मिलेगा। वैसे तो देखो फ्री ही होते हैं हम मायके में, लेकिन देखते हैं, बाकी बने रहिए जी वीडियो में। हेलो जी, नमस्कार जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। तो जी मैंने यहाँ पे सूट कटिंग कर दिए हैं, तीन सूट कटिंग किए हैं और तीनों सूट ही मैं अपने मायके लेकर जाऊँगी, वहीं पे ही सिलाई करूँगी, क्योंकि दो से तीन दिन, तीन से चार दिन तो हमारे लग ही जाएंगे। मम्मी को साथ लेकर जाऊँगी और सब्जी काट दी है, अरबी की सब्जी काटी है तो वही बनाऊँगी। सूट कटिंग हो चुके हैं, प्रेस वगैरह करके रख दी है सूटों की। बस तीन से चार दिन के लिए मायके जा रहे हैं, और मायके जाने की खुशी आप लोगों को पता ही है कितनी होती है। तो देखते हैं तीन से चार दिन जो भी लगेंगे उसके हिसाब से ही, तो तभी मैं सूट लेकर ही जा रही हूँ। तो सूट वहीं पे सिलाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाकर तो देखो मायके में फ्री ही होते हैं हम इतना, और दुकान पे कोई आना जाए, इससे पहले पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर अपनी जो भी थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह है वो करूँगी। और सूट रख लिए है, सूट की जो भी रीलें वगैरह जो भी है वो सब सामान मैंने यहाँ पे रख लिया है पैक करके, कि भाई कोई सामान भूल ना जाए। तो होता ही है, मायके जाकर भी कहाँ फ्री बैठेंगे, अपने सूट की सिलाई कर लूँगी, क्योंकि जो अपने काम होते हैं ना, दुकान का काम है, जैसे मेरा तो सिलाई का काम है, तो जिसके हिसाब से हमें फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ता है कि भाई कितनी तारीख को किसने सूट, जो भी सूट वगैरह हैं वो लेने आएंगे। तो जब भी अपना सूट लेने आएंगे तब तक तो मैं आ भी जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अरबी काट कर रखी है, और नाश्ते में बनाए थे आज पराठे, उनकी चावल बचे हुए थे ना उसी, और थोड़ी सी गोभी की सब्जी थी, उन्हीं के ही मिक्स करके बना दिए हैं। तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर। तो जी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अब बनाना है मुझे दोपहर का खाना। तो पहले सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि सूट वगैरह कटिंग करने के बाद फिर मैं दुकान पे चली गई थी, और फिर दुकान का होता ही है, दुकान पे टाइम लग जाता है। तो फिर फटाफट से मैंने बीच बीच में अपना जो भी मसाला वगैरह होता है वो तैयार किया है। तो यहाँ पे टमाटर और अदरक मैंने चॉपर में ही कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा तड़का भुन चुका है, लहसुन वगैरह और प्याज वगैरह उसी में ही मैंने सूखे मसाले जो भी होते हैं वो डाल दिए थे, और साथ ही इसमें डाल दिया है टमाटर, और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देते
हैं, बस कुछ टाइम के लिए इसे ऐसे ही पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। उससे क्या होता है कि सब्जी का कलर अच्छा आता है, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें डाल देते हैं अपने ये जो अरबी कटी हुई है वो। तो बस सब्जी यहाँ पे बनती रहेगी, उसके बाद फिर देखते हैं चावल बनाऊंगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। पहले तो मुझे और पैकिंग करनी है, और अभी दुकान पे कोई आ गया है क्योंकि आवाज़ आ जाती है जब बाहर कोई आता है ना। तो बस इसका लगा देते हैं ढक्कन और दुकान पे चलते हैं, उसके बाद फिर अपना और काम करेंगे, रोटी भी बनानी है, बने रहिए वीडियो में। तो जी सब्जी रख दी है बनने के लिए, और अपने लिए चाय लेकर आई हूँ, तो चाय पीऊँगी, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत जो काम रहा है, वैसे पैकिंग वगैरह हो ही चुकी है, और बच्चों का पता नहीं कौन सा जाएगा बच्चा कौन सा नहीं, क्योंकि इनकी खुद की मर्जी है बच्चों की, और मैं ज़बरदस्ती करती भी नहीं हूँ। तो बस अपना जो मेरा ये वीडियो है मैं आज ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे मायके में जाकर ना नेट की दिक्कत होती है, तो शायद वहाँ पर नेट चले ना चले, तो इसलिए जो वाला ये वाला वीडियो जो है वो यहीं पे ही अपलोड कर दूंगी। और वहाँ का वीडियो तो वहाँ पे बनाऊंगी ही, लेकिन अपलोड करने का नहीं पता है, क्योंकि पूरा दिन भी लग जाता है कई बार, नहीं वहाँ पे अपलोड हो पाता है पहले भी, जैसे बच्चे इसी कारण भी नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे नेट नहीं चलता है, बच्चों को होता ही है फ़ोन चलाने का। तो बस ये वाला वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, एडिटिंग वगैरह करूंगी, और ये वाला वीडियो अपलोड करके बाकी आने वाले व्लॉग में आपको मायके का व्लॉग मिलेगा। तो वीडियो में बने रहे जी, वीडियो कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग जो हैं वो कमेंट करके बताएं, जरा भी अच्छे लगते हों तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो शायद मायके का व्लॉग ही आपको आगे मिलेगा, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।